घोड़ी पर होकर सवार, हाथ में लेकर तलवार, सिर पर बांधकर साफा, दूल्हे को लेने चली दुल्हन, घोड़ी पे होके सवार चला है दूल्हा यार। ये गाना आपने अक्सर बारातों में सुना होगा, लेकिन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो इस गाने के बिल्कुल उलट है। यहाँ बारात भी है, तलवार भी। लेकिन घोड़ी पर दूल्हा नहीं, दुल्हन सवार है। जी हाँ, ये दोनों दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर जा रही हैं अपने दूल्हे के घर। दुल्हन की इस बारात में हर कोई झूमता दिखाई दिया। खास बात यह है कि बारात के साथ साथ घोड़ी भी नाच रही है। जब ये बारात निकली तो इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यकीन करना मुश्किल ही है, क्योंकि समाज में ज़्यादातर लड़कों की ही घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ बारात निकलती देखी होगी। लेकिन ये लड़कियां पाटीदार समाज से हैं, जहां लड़कियों की बारात भी धूमधाम से निकाली जाती है। और इसी परंपरा को निभाने सर पर साफा बांध, हाथ में झांसी की रानी की तरह तलवार लहराती ये खंडवा की रहने वाली दो बहनें साक्षी और सृष्टि भी निकल पड़ी। सीधा सीधा संदेश ये है कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर सम्मान दिया जाता है, कि लड़कियां भी आज के दौर में लड़कों से पीछे नहीं है। इसलिए मतलब उनकी बारात मतलब घोड़ों पे निकालो, और शुरू से हमारे समाज में परंपरा चलती आ रही है। और दुल्हन देखिए, अब जरा शादी के कार्ड भी देख लीजिए, जिसमें स्वच्छता और बेटी बचाओ का संदेश भी दिया गया है। इस अनोखी शादी में कई सामाजिक संदेश के साथ साथ ये भी तय किया गया कि शादी में कोई कचरा नहीं फैलाएगा। दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और पूरे समाज को एक साथ कई संदेश भी दिए गए।
समाज में निकलती है तो हमारे लिए तो कुछ नया नहीं है, लेकिन लोगों को देखने में थोड़ा अचरज होता है क्योंकि घोड़े पे बैठा और कल दो बेटियों की इकट्ठी थी तो थोड़ा ज़्यादा अचरज हुआ होगा, लेकिन हमारे समाज में की ये परंपरा यही है। हमारे इसमें बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है। दोनों बेटियों की शादी, जैसे साक्षी की शादी आनंद पाटीदार और सृष्टि की शादी शशांक पाटीदार से हुई है, और सभी जन ये बाद में मतलब दोनों का प्रोसेशन घोड़े पे ही निकला है।